हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन करंट अफेयर्स की सीरीज़ के तहत एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आपको जो कल रिपोर्ट्स जारी हुई है उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स आपके एग्ज़ाम में सीधी एक तरह से पूछी जाती है कि ये रिपोर्ट्स कौन जारी करता है। दूसरा, जब मेंस में हम जब आंसर लिखते हैं या लिखित परीक्षा में आप जब आंसर लिखते हैं, चाहे आपका PCS हो चाहे आपका UPSC हो, तो उस वक्त आप जब इन रिपोर्ट्स के आधार पर लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। चलिए अब सीधा हम रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट्स का जो नाम है वो आप देख सकते हो, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, या एक तरह से ऐसे बोलते हो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये जो रिपोर्ट्स है ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो एक NGO है, वैश्विक स्तर का एक NGO है, जिसका नाम क्या है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या नाम है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ये आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आएंगे तब उसमें सीधा इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, तब आपको याद रखना होगा कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये हालांकि ये एडिशनल जानकारी है, आप थोड़ा सा देखते जाइए। 2002 में इसे आरंभ किया गया था और 180 देश के आधार पर इसकी रैंकिंग जारी की जाती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो भारतीय जो पत्रकारिता है या फिर भारतीय प्रेस है उसके संबंध में जो कुछ लिखा गया है वो मेरे खुद के व्यक्तिगत विचार नहीं है। हमने इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ा है और उसके आधार पर जो लिखा है वही मैं बताऊँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें भारत के मीडिया के प्रति जो आप स्थिति देख ही रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा भी है कि किस प्रकार से भारतीय मीडिया काम करता है। तो अब हम एक एक चीज़ को देखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जितने भारत के पत्रकार होते हैं, समाचार संगठन होते हैं, किस प्रकार से गवर्नमेंट उनके ऊपर कार्यवाही वगैरह करती है, उन सभी चीज़ों को ये देखता है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें 180 देश हमने पीछे देखे थे और रैंक जो निर्धारित होती है उसके अंदर 7 एक तरह से क्या होते हैं, मानक होते हैं या फिर डायमेंशन होते हैं, उनको ये कवर करता है। सबसे पहले बहुलवाद, ठीक है, उसके बाद में मीडिया स्वतंत्रता, उसके बाद में सेंसरशिप, जो गवर्नमेंट एक तरह से समाचारों के ऊपर सेंसर लगाती है उसे सेंसरशिप कहा जाता है। उसके बाद में जो लेजिस्टर एक तरह से जो विधायी ढांचा है, फ्रेमवर्क है, वो कैसा है। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार से काम करती है, उसके बाद में किस प्रकार से इंफ्रा एक तरह से जो प्रेस का है वो है, उसके बाद में किस तरह से उनके ऊपर कार्यवाही वगैरह की जाती है। तो ये 7 मानक हो गए। हालांकि इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा लास्ट में कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। अब हम एक नीचे देखते हैं, तो इसके अंतर्गत ये वर्ल्ड फ्रेंड इंडेक्स के बारे में आप देख चुके हो। इसमें एक चीज़ जो ये है ना, जैसे RSF, तो इसे जो अभी हमने देखा था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका नाम दूसरा RSF भी है। और RSF जो इसकी फुल फॉर्म है वो एक तरह से क्या है, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर। तो ये दूसरा नाम भी है, कई बार हो सकता है कि ये नाम यूज हो जाए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर की जगह, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब प्रेस के लिए सबसे स्वतंत्र एक तरह से कौन सा देश है, सबसे स्वतंत्र देश कौन सा, जहां पर एक तरह से पत्रकारिता को ज़्यादा नुकसान नहीं है, वो फ्रीली वहां पर काम कर सकते हैं। तो पहला है नॉर्वे। नॉर्वे एक देश है यूरोप का, तो सबसे वहां पर है। उसके बाद में फिनलैंड है, उसके बाद में स्वीडन है, उसके बाद में डेनमार्क है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसे देश है जहाँ पर अच्छी स्थिति है। उसके बाद में सबसे जो पीछे से टॉप किया है वो देश है इरिटिया। कौन सा देश है? इरिटिया। तो अभी आप कमेंट करके ये बताइए कि इरिटिया कौन से महाद्वीप में ये देश पड़ता है। उसके बाद में नॉर्थ कोरिया, तो आप जानते हो नॉर्थ कोरिया का क्या हालत है, तो वहाँ पर ये स्थिति है। उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, जो अपने मध्य एशिया में पड़ता है। उसके बाद में चीन, उसके बाद में जिबूती। जिबूती कहाँ है ये भी बताइए, और जिबूती क्यों न्यूज़ में रहता है वो भी बताइए। उसके बाद में ये हमारा चैनल स्टडी विद मनोर, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस प्रकार के हम आपकी जानकारी लेके आते रहेंगे। अब हम भारत की बात करें, जो हमारा देश है, तो उसकी रैंकिंग इस बार वापस 2020 में भी 142 स्थान था, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पिछली बार भी 142वां स्थान ही था और इस बार भी 142वां, यानी कोई रैंकिंग में ज़्यादा फर्क आया नहीं है, लेकिन 180 में 142वां स्थान काफ़ी बुरा स्थिति है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आई है। अब इसने क्या क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। तो इस तरह से एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत म्यांमार से भी पीछे हो गया, 140 नंबर पर म्यांमार है। श्रीलंका 127 में, नेपाल 106वें स्थान पर है। और इसके लिए भारत के लिए शब्द यूज किया है कि भारत के लिए, कि मतलब यहाँ पत्रकारिता एक तरह से बुरा है या खराब श्रेणी में भारत को रखा गया है। और इसके कम रैंकिंग, इतनी बुरी स्थिति आने के पीछे भारत के क्या कारण हैं, तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे विचार नहीं, ये पूरी तरह से हमने रिपोर्ट को पढ़ा है, उसके आधार पर हम कंक्लूजन पर पहुँचे हैं। तो इन्होंने
जो शब्द यूज किए हैं, तो पहला आप देख सकते हो पत्रकारों के खिलाफ पुलिस हिंसा, क्योंकि जब रिपोर्टिंग की जाती है और अगर रियल रिपोर्टिंग की जाती है तो सीधी सी बात है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, तो ये कारण एक रहा है। उसके बाद में राजनीतिक कार्यकर्ताओं, जो कार्यकर्ता है उसके द्वारा एक ऊपर जो पत्रकार होते हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, आपराधिक हमले किए जाते हैं और कई अधिकारी होते हैं वो भी उनके विरुद्ध में कार्यवाही करते हैं, पत्रकारों की स्थिति खराब है। उसके बाद में एक चीज़ आपने देखी होगी, भारत में एक अलग ही चीज़ चल रही है कि कोई भी अगर एक तरह से गवर्नमेंट के विरुद्ध में कोई चीज़ लिखता है तो उसे राष्ट्रद्रोही के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, राष्ट्रद्रोही के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उसे एक तरह से आतंकी के तौर पर ट्रीट किया जाता है और स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर आपने देखा होगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, UAPA एक्ट, जो एक्ट होते हैं जिसमें क्या है कि जो गलत काम करते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है, तो वो एक चीज़ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक तरह से देखी है। तो इस तरह से जो ये कारण थे इनके कारण भारत की रैंकिंग बहुत ज़्यादा पीछे एक तरह से आई है। उसके बाद में हम ये चीज़ें हो गई है और इस प्रकार से हमारे जो ये जितनी PDF क्रिएट की है वो विपल दान के द्वारा क्रिएट की गई है, तो इस प्रकार से आप भी अच्छे से तैयार कीजिए और जो चीज़ें हैं वो तैयार करते हो तो आप भी अपने परीक्षा में सफलता सुनिश्चित कर सकते हो। अब हम वापस ये चीज़ देखते हैं इसमें किस प्रकार से परीक्षा में आपके सवाल बन सकते हैं। तो दोस्तों परीक्षा में सवाल पहला तो यही हो गया, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो पहला ये हो गया रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला प्रीलिम्स के हिसाब से या ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो मीडिया की लोकतंत्र में क्या भूमिका है, मीडिया की लोकतंत्र में क्या भूमिका है, ये आपका सवाल बनता है। तो अगर आप चाहो तो इस पे एक GS का क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है। ऐसे भी आया था कि अगर जो बायस्ड मीडिया है वो लोकतंत्र के लिए घातक है, तो ये ऐसे UPC ने पूछा है। तो यानी जो पक्षतापूर्ण जो मीडिया होता है वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि मीडिया को जो स्वतंत्रता मिलती है वो कहाँ से मिलती है, भारत का जो संविधान है उसका Article 19(1) है जो एक तरह से हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, उसके तहत ही मीडिया को भी फ्रीडम मिलती है। तो ये चीज़ एडिशनल जानकारी हो गई है। इस प्रकार से इस रिपोर्ट्स के हमें पॉइंट देखे, लेकिन इसने भारत के विरुद्ध में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी है, तो आपको इस तरह से एग्जाम में हालांकि इतना ज़्यादा लिखना नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आप देख रहे हो मीडिया की क्या स्थिति है, किस प्रकार से रिपोर्टिंग करते हैं, किस प्रकार से विपक्ष को वो टारगेट करते हैं और गवर्नमेंट की जितनी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर एक तरह से दिखाने की कोशिश की जाती है, तो उनके आधार पर लिखा गया है। आपको एक बैलेंस व्यू रखना होता है, UPC में जनरली क्या होता है कि आपको बैलेंस व्यू रखना है और गवर्नमेंट की आलोचना करने के साथ साथ आपको सॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अब आप भी इसमें बता सकते हो कि प्रेस को और ज़्यादा फ्रीडम देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए इस प्रकार से आज हमने जाना कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या था, वो किस एक तरह से संगठन के द्वारा रिपोर्ट्स जारी की जाती है, इस प्रकार इसमें किस प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार से हम करंट अफेयर्स की सीरीज को और ज़्यादा मजबूती से हम लाते रहें और आप सफलता हम सुनिश्चित करें। कोरोना में आप स्वयं बचें और अपने परिवार को बचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।